हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फैमिली किचन ऑर्गेनिक गार्डनिंग। तो सबसे पहले आप सबको क्रिसमस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। क्रिसमस का नाम सुनते ही क्रिसमस ट्री आंखों के सामने आता है, तो उसकी खूबसूरती तो भाई देखते ही बनती है। तो खूबसूरती तो देखते ही बनती है, लेकिन उसको बरकरार भी रखना बहुत ज़रूरी है। तो उसको बरकरार रखने के लिए कुछ केयर टिप्स होते हैं। फ्रेंड्स, मेरे गार्डन में दो क्रिसमस ट्री लगे हुए हैं, तो उनकी ब्यूटी को बनाए रखने के लिए जो मैं केयर टिप्स यूज़ करती हूँ वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपके गार्डन में भी क्रिसमस ट्री लगे हुए हैं और आप उसकी सुंदरता को बनाए रखना चाहते हैं तो आप भी उनको फॉलो कर सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं उनके केयर टिप्स के बारे में। क्रिसमस ट्री जो है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे एक्वेरिया ट्री, फर ट्री, और ये हमारे वाले जो है ये है इंडियन ट्री, और इनको मंकी पजल भी बोला जाता है। फ्रेंड्स, अगर हम लोग नर्सरी में ये ट्री लेने के लिए जाएंगे तो उनको इन नामों से बुलाएंगे तो वो नहीं निकाल के देते हैं, लेकिन हाँ, हम अगर बोलते हैं कि क्रिसमस ट्री चाहिए हमें तो फट आपको ये वाला प्लांट जो है वो निकाल कर देंगे। तो और ये जो है ये कोन शेप में भी होते हैं, और दूसरा जो इनके ये आप देख रहे हैं ये जो इनके स्टेम निकल रहे हैं तो ये भी डिफरेंट नंबर्स में होते हैं। जैसे ये मेरे पास जो है ये 1 2 3 4 5 फाइव स्टेम वाला है, और दूसरे वाला जो है मेरे पास वो 3 स्टेम वाला है। तो आपने भी अपने गार्डन में लगा रखे होंगे, आपके पास कौन से वाले क्रिसमस ट्री हैं आप मेरे साथ जरूर वीडियो शेयर करके बताइएगा। तो अगर इनके केयर टिप्स के बारे में अगर आज हम बात करेंगे तो उसमें क्या क्या आता है, उसमें सॉइल के बारे में बात करेंगे हम, और इसके फर्टिलाइज़र के बारे में बात करेंगे, और इसके ऊपर क्या पेस्ट अटैक करते हैं हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो अगर हम इसके सॉइल के बारे में बात करें तो दोस्तों, जब हमें नर्सरी से लाकर ये प्लांटर में शिफ्ट करना पड़ता है तो हमें इसकी सॉइल को भी देखना पड़ेगा कि इसका सॉइल मीडिया जो है वो हम किस टाइप का बनाएंगे, और ये इसका प्लांट जो है ये किस टाइप की सॉइल पसंद करता है। ये सॉइल जो है ये सैंडी सॉइल पसंद करता है, इसमें कि नमी बनी रहे जिससे कि इसकी सॉइल के अंदर। तो फ्रेंड्स, हम जब इसकी सॉइल को बनाएंगे तो इसकी सॉइल में ध्यान रखिएगा कि एक पार्ट आप गार्डन सॉइल का लेंगे और एक पार्ट आप सैंड का लेंगे, और अगर सैंड ना हो तो आप कोकोपीट भी डाल सकते हैं, क्योंकि मेन मकसद जो है वो पानी को जो है वो नमी को जो है वो बनाए रखना है। तो वो सैंड भी जो है और कोकोपीट है वो पानी को होल्ड करके रखते हैं, तो जिससे इसमें जो है वो नमी बनी रहती है। तो आप इसको इसमें मिला सकते हैं कोकोपीट को या सैंड को, और आपका ये सॉइल हो गई तो आपका प्लांट जो है वो अच्छा चलता रहेगा। और दूसरी बात है कि सबसे बड़ी चीज ये है कि आपके प्लांटर का जो है वो ड्रेनेज सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, कि जिससे कि हमें इसमें नमी बनाना रखना चाहते हैं तो नमी के लिए जो है वो पानी उसमें उतना ही होल्ड रहे जितनी प्लांट को ज़रूरत है कि नमी बनी रहे, बाकी जो वो एक्स्ट्रा वाटर जो है वो ड्रेनेज होल से जो है वो निकल जाना चाहिए, कि पानी उसके अंदर यहाँ पर खड़ा नहीं रहना चाहिए। फ्रेंड्स, ये वाला जो प्लांट है ये मेरी बालकनी में रखा हुआ है, और ये मेरा कम से कम 5-6 साल पुराना प्लांट है। आप इसकी स्टेम्स को देखिए, कितने बड़े बड़े स्टेम्स हैं इसके, ये देखिए ये जा रहे हैं, और इसका फर देखिए, फर कितना अच्छा है इसका, सॉफ्ट फर है एकदम से। और ये पता है कितने स्टेम वाला है, ये देखिए 1 2 और ये 3, ये देखिए इसकी हाइट देख रहे हैं, ये लमसम 5 फुट मेरे बराबर का तो हो गया है, मतलब 5 फुट तो नहीं है, 5 फुट से अभी नीचे ही है ये इसमें, और इसको 5-6 साल मेरे बालकनी में लगे हुए हो गए हैं। एक बात मैं आपको बताऊं दोस्तों, अगर आप ये प्लांट को प्लांटर में लगा देते हैं तो इसको बार बार शिफ्ट मत करिएगा, क्योंकि इसके जो रूट्स होते हैं ना, रूट्स इसके ज़्यादा डीप नहीं जाते हैं, तो ये बार बार हिलाने डुलाने से जो है ये इसके रूट्स जो हिल जाते हैं, और ये होगा कि हमारे प्लांट जो है वो ख़राब भी हो सकता है, क्योंकि रूट बार बार हिलेंगे तो उसके रूट्स जो हैं वो डैमेज होने का डर रहता है।
फ्रेंड्स, अगर हमने प्लांट लगाया है तो उसकी खूबसूरती के बनी रहेगी और खूबसूरती के साथ कभी कभी उसमें प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो प्रॉब्लम्स जो हैं इसके ऊपर ज़्यादा क्या होते हैं, कोई कीड़े मकोड़े या पेट्स इसके ऊपर कुछ अटैक नहीं करते हैं। इस पर ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है जो जैसे मकड़ी के जाले होते हैं ना, उस टाइप से इसके ऊपर बनते हैं। तो मैंने तो अभी तक अपने प्लांट के ऊपर ऐसा कुछ देखा नहीं है। हाँ, पढ़ा जरूर है कि इसके ऊपर जो है वो मकड़ी के जाले जैसे जो है वो बन जाते हैं। तो मेरे प्लांट के ऊपर शायद वो इसलिए नहीं बनते हैं फ्रेंड्स, अगर मैं इसके ऊपर जो है वो पूरी तरीके से शावर जो है वो देती हूँ, पूरा प्लांट जो है वो नहला देती हूँ। कम से कम 15 दिन में तो एक बार ही इसको पूरा वॉश करती हूँ मैं इसको। और अगर कहीं आपके प्लांट में इस तरीके से अगर होता है तो आप उसके लिए जो है वो 1 लीटर पानी में 1 चम्मच जो है वो नीम ऑयल का डालकर इसके ऊपर स्प्रे करिएगा। तो 15 दिन में 2 बारी कम से कम करिएगा, क्योंकि कंटिन्यू करना पड़ेगा तो ही वो चीज़ जो है वो ख़त्म होती है। और अगर ये नीम ऑयल नहीं है तो आप डिश वॉश होता है ना, वो भी आप पानी में डाल के इसके ऊपर आप स्प्रे कर सकते हैं, और या शैम्पू डाल के जो है वो आप उसको वॉश कर सकते हैं। इसके स्टेम्स को देखिए ज़रा, ये इसके बाद जो है ये देखिए इस पर और भी आने लग पड़े हैं। ये देखिए और भी आने लग पड़े हैं। और इसके फर देखिए, फर कितना सॉफ्ट है इसका। अभी ये देखिए। और अगर हम बात करें कि ये टेम्परेचर किस तरीके का पसंद करता है, तो फ्रेंड्स इसको जो है वो डायरेक्ट सनलाइट जो है वो पसंद नहीं है। अगर हमें इसको सही रखना है तो ये इसको हमें शेडी एरिया भी ऐसे है कि वो इनडायरेक्ट जो है इसके ऊपर सनलाइट पड़नी चाहिए, तो उस तरीके से रखें इसको। मेरे बालकनी में जो है वो सुबह सुबह की जो धूप है 2 घंटे की यहाँ पर आती है, तो बस उसी में ये रहता है, और बाकी जो है वो इनडायरेक्टली इसके ऊपर लाइट पड़ती रहती है। तो ये देखिए आपके सामने है कि प्लांट मेरा जो है वो तरीके से चल रहा है। एक चीज आपको फ्रेंड्स और बताऊं मैं, कि अगर इसमें एक प्रॉब्लम आती है कि ये देख रहे हैं आप लीव्स कैसे ब्राउन हो रखी हैं, ये इस तरीके की लीव्स जो हैं वो कभी कभार इसकी ब्राउन होने लग जाती है, मेरी भी हो रखी हैं इसकी। तो ये मोस्टली जो है कि ये नीचे से, मेरी वाली तो नीचे से इस तरीके से आ रही है ये, तो मैं उनको जो है उनको ट्रिम कर देती हूँ मैं, ऐसे ऊपर तो नहीं है। हाँ, अगर कहीं ऐसा होता है कि बीच में जो है वो लीव्स ब्राउन होने लगती है, वो मोस्टली कब होती है कि या तो डायरेक्ट उसको सनलाइट दी जा रही है, तेज धूप उस पर पड़ती है, तो वो हो जाती हैं। तो अगर इस तरीके से कुछ होता है तो आप उसको डायरेक्ट सनलाइट से हटा दीजिए और उसको जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे रखिए, तो वो सही हो जाएंगी, तब आपकी ऐसी जो है ये इसकी प्लांट की ब्राउन लीव्स नहीं हो। और अगर इसकी ट्रिमिंग की बात करी जाए तो फ्रेंड्स इसको ट्रिम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसको ट्रिम कर देंगे तो इसकी ब्यूटी जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। इसकी लीव्स जितनी बड़ी होनी चाहिए तो वो होने दीजिए आप। और दूसरी बात, और इसको ना थोड़ा सा इस तरीके से ना घुमा कर रखिएगा, क्योंकि जो एरिया इसका थोड़ा सनलाइट मिलती है वहीं की लीव्स इसकी बढ़ती चली जाएंगी। तो इसको इस तरीके से प्लांटर को जो है वो राउंड राउंड करके घुमा दीजिए करिएगा, तो सनलाइट सब पे पड़ती रहेगी, तो इक्वली इनकी लीव्स जो है वो बढ़ती चली जाएंगी। मैं अपने इस प्लांट में हमेशा, इसमें इसी प्लांट की बात नहीं मैं कर रही, मैं अपने प्लांट्स में और भी जो हमारे टेरेस पे रखे हुए हैं उन पे मैं हमेशा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही यूज़ करती हूँ। तो अगर दोस्तों इसकी जो ग्रीनरी आप देख रहे हैं प्लांट्स की, और इसका फर देख रहे हैं कितना सॉफ्ट है इसका फर, और ग्रीनरी भी कितनी अच्छी दिख रही है इसकी, तो अगर ये बरकरार हमें रखनी है तो हमें इसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं अपने इस प्लांट पे कौन सा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ वो भी मैं आपसे शेयर। ये देखिए, ये है मेरा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, ये देख रहे हैं आप ये क्या है, ये हमारी है टी लीव्स, जो हम लोग चाय बनाते हैं ना, तो चाय की पत्ती जो हमारी बच जाती है, तो मैं उसको अच्छे से वॉश करने के बाद उसको धूप में सुखाकर या इस तरीके से ये मैंने रखा हुआ है, तो मैं वो इस वाले प्लांट में ये डालती हूँ। ये हर 15 दिन में एक बारी मैं ये डाल देती हूँ, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन होता है, तो ये लीफी प्लांट है ये, तो उस लीफी प्लांट्स के लिए जो है वो नाइट्रोजन ज़रूरी चाहिए होता है, तो वो हमारे इसमें लीव्स में टी लीव्स जो हैं ये हमारे उसमें मिलता है। तो इसको अच्छे से वॉश आउट कर लीजिए, वॉश करने के बाद जिसमें इसमें चीनी जो है वो चीनी दूध वगैरह जो नहीं रहना चाहिए, तो वो सारा धुल जाएगा, तो तब आप इसको सुखाकर धूप में और इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे जो है ये हैं हमारे, ये क्या है ये तो पता लग ही गया होगा आपको, ये है हमारे एक्सल। तो जो ये एक्स जो है ये निकालने के बाद, तो इसको मैं अच्छे से धोने के बाद इसको सारे वो
अपना जो डिश वॉश है उसमें धोती हूँ इसको, और इसको धूप में सुखाने के बाद इस तरीके से इनको रख लेती हूँ। और जब आप इसके अंदर डालेंगे तो इनको क्रश कर लीजिए इस तरीके से, या जैसे इसका सॉइल आप बनाते हैं ना, सॉइल मीडिया आप बनाएंगे उसमें भी आप इसको मिक्स करके डाल सकते हैं, तो जिससे कि इसमें जो है कैल्शियम की मात्रा जो है इसमें आपके प्लांट को मिलेगी, तो इसके स्टेम जो है वो भी अच्छे बने रहेंगे। इसके अलावा इसमें आप काउडंग कंपोस्ट जो अच्छी तरह से डीप कंपोस्ट हो वो डाल सकते हैं, और वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये सारा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इसमें यूज़ करेंगे तो आपका प्लांट जो है ये हमेशा हेल्दी रखेगा और आपको मन की खुशी देता रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये तो हुई उसके केयर टिप्स के बारे में बात। हमने इसका फर्टिलाइज़र के बारे में बात करी, इसके सॉइल के बारे में बात करी, और इसके जो पैट्स अटैक करते हैं इसके ऊपर हमने उनके बारे में भी बात करी। लेकिन हमने ये तो बात करी नहीं कि इसको लगाने का फ़ायदा क्या है, तो वो भी आपसे शेयर करती हूँ। फ्रेंड्स देखिए, जैसे मेरे ये वाला भी प्लांट है, इसको भी देखिए कितना अच्छे इसके लीव्स दिख रहे हैं। तो मेरे इन सब में मैं ये अपने ये जो चाय पत्ती मैंने आपको दिखाई यही यूज़ करती हूँ, और वर्मी कंपोस्ट डालती हूँ, और ये एग शेल भी मैं इसमें डाल देती हूँ, और ये देखिए ये कोलियस, ये भी कितना ग्रीनरी है इसमें भी, तो इनमें भी मैं यही सब डालती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इसके फ़ायदों के बारे में। तो दोस्तों, ये अगर हम क्रिसमस ट्री अपने घर में लगाते हैं, अपने गार्डन में लगाते हैं, तो ये हमें ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन देता है, और इसके साथ ही ये कार्बन डाइऑक्साइड और हानिकारक गैसेस जो होती हैं उनको भी ये ख़त्म करता है। और इसको लगाने से कहते हैं कि घर का वास्तु दोष जो होता है वो भी ख़त्म होता है, और जो नेगेटिविटी होती है ये उसको भी ख़त्म करता है। और जिस जगह पर लगाया जाता है उस चारों तरफ का जो है टेम्परेचर बैलेंस जो है वो बना रहता है। एक चीज़ मैं आपके साथ और शेयर करना चाहती हूँ फ्रेंड्स इसके लिए, कि इसकी पानी की रिक्वायरमेंट जो होती है वो भी ज़्यादा नहीं होती है। इसको पानी हम तभी देंगे जब इसकी सॉइल जो है वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगी। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को पानी जो है इसको मैं हफ्ते में भी एक बार नहीं, अगर हफ्ते में भी एक बार नहीं दिया ना तो मेरे तो इसके 10-15 दिन भी निकल जाते हैं मैं तभी इसमें पानी डालती हूँ, लेकिन मेरा प्लांट तब भी बिल्कुल सही रहता है। ये इसमें ये नहीं है कि भाई मेरा प्लांट सूख गया है या इसकी जो लीव्स हैं वो ख़राब हो रही हैं, ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये पानी की रिक्वायरमेंट भी इसको मैंने ये पानी जो है मैंने कल सवेरे दिया हुआ है इसमें, और इसकी सॉइल देखिए आप नमी बनी हुई है ना इसमें अभी भी। तो सर्दियों में तो वैसे ही प्लांट्स में पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है, 2 दिन में एक बार दिया जाता है, तो इसलिए अपने प्लांट्स में भी इसको ज़्यादा पानी ना दें आप। तो फ्रेंड्स, हमने तो बात कर ली इसके केयर टिप्स के लिए और प्लांट की ब्यूटी के लिए, लेकिन आज क्या है, आज तो मेन है क्रिसमस डे, तो वो देखिए हमने भी अपने प्लांट को जो है वो डेकोरेट करा है, क्योंकि क्रिसमस डे पर तो सभी इस प्लांट को डेकोरेट करते हैं, तो आपने भी डेकोरेट कर रखा होगा। तो ये देखिए ये छोटे से गिफ्ट जो है ये इस पे बना के रखे हैं, चॉकलेट्स रखी हुई हैं, और ये है हमारे छोटे से सेंटा जी, और ये सेंटा जी की कैप ऊपर, ये देखिए ये रात को मैंने और मेरे बच्चों ने मिलकर इसको डेकोरेट करा है, तो आपने भी डेकोरेट कर रखा होगा इन, ये देखिए, और इसमें ये बेल भी लगाई हुई है, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये गोल्डन बेल भी लगाई हुई है, ये देखिए गिफ्ट्स, और ये देखिए मोज़े भी लगाए हुए हैं, चॉकलेट्स, बस एक स्टार की कमी रह गई, वो नहीं लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने भी अपने जो घर में क्रिसमस ट्री होगा वो भी आप कर आपने इसी तरीके से डेकोरेट कर रखा होगा, तो आप वो ज़रूर मेरे से शेयर करिएगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो जो है वो कैसी लगी, इसके केयर टिप्स आपको कैसे लगे, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।